ये यात्रा सत्ता को चुस्त दुरुस्त करने के लिए, सत्ता परिवर्तन की यात्रा है, न्याय की यात्रा है। हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम जो लगातार इतने वर्षों से दिल्ली देश की राजधानी होने के बावजूद ठगा जा रहा था, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं और जिसकी लड़ाई दिल्ली के सभी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के प्रत्येक गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, रेड़ी खोमचे वाला, दुकानदार, व्यवसायी, बड़ा व्यापारी, छोटा व्यापारी, छात्र, सभी के लिए, सभी सर्वधर्म संभाव के आधार पर लड़ाई महाराणा प्रताप सेना और महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार जी लगातार अपनी पूरी टीम के साथ, बुलंदी के साथ, हिम्मत के साथ, हौसलों के साथ, निडरता के साथ, निर्भीकता के साथ, सजगता और जागरूकता के साथ लड़ रहे हैं। और अब इसीलिए इस बात की लड़ाई को जन जन तक पहुंचाने, गली गली तक पहुंचाने, हर घर घर पहुंचाने, डोर टू डोर पहुंचाने का कैंपेन महाराणा प्रताप सेना अपने लाखों जो उसके सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके तहत ये लड़ाई लड़ी जा रही है। और इस लड़ाई में एक सफलता का हमें आज बहुत खुशी हो रही है। देश की आप सर्वोच्च मीडिया है, सर्वोच्च लोग हैं, यहाँ बुद्धिजीवी हैं और सभी लोगों को हमें बताते हुए हर्ष हो रहा है। जो हमारा ये बस अड्डा था सराय काले खां बस अड्डा था, सराय काले खां का अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा बनाया गया था, उसका नाम वर्षों से महाराणा प्रताप सेना मांग कर रही थी कि बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय बस, अंतरराज्यीय बस टर्मिनल बनाया जाए, उसकी मांग पूरी हो गई है। और ये बिरसा मुंडा के नाम से जो यहाँ अंतरराज्यीय बस अड्डा का नामकरण किया जा रहा है सरकार द्वारा, उस सरकार का भी धन्यवाद। और ये हिस्सेदारी है सभी देश के लोगों की कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, जो महाराणा प्रताप सेना नारा देती है कि गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारा भारत एक है और हम एक हैं, और उस आधार पर बिरसा मुंडा के नाम पर जो अंतरराज्यीय बस टर्मिनल का किया गया है, इसके लिए भी हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। हमारे वर्षों से पुरानी मांग थी। और फिरोज शाह रोड जो मांग मार्ग है, फिरोज शाह रोड मार्ग है, उसका मार्ग का नाम भी बदलकर अब बिरसा मुंडा मार्ग होना चाहिए। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पूरे देश और दुनिया के लोग निवास करते हैं। हम ना पॉल्यूशन की बात करेंगे, ना यमुना की बात करेंगे, हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करेंगे। हमें ना भाजपा चाहिए, ना कांग्रेस चाहिए, ना आम आदमी पार्टी चाहिए। हमें यहाँ ऐसी सरकार चाहिए जो राम को मानने वाली हो, हमें ऐसी सरकार चाहिए जो अहिल्याबाई होलकर को मानने वाली हो, हमें ऐसी सरकार चाहिए जो निषाद राज को मानने वाली हो, हमें ऐसी सरकार चाहिए जो परशुराम को मानने वाली हो, हमें ऐसी सरकार चाहिए जो भगवान परशुराम जी को मानने वाली हो, हमें ऐसी सरकार चाहिए जो बिरसा मुंडा जी को मानने वाली हो। हम महाराणा के चीते हैं, उन्हीं के नाम से जीते हैं। बात अगर सम्मान से अभिमान की आएगी तो भगवान परशुराम के परसे से बद करना भी जानते हैं। यहाँ भ्रष्टाचारी लोग हैं, इनका बद फरसे नहीं करना है, हत्या नहीं करनी है, इनका बद करेंगे वोट से, इनका बद करेंगे जनता में जाकर। इनको पकड़ाएंगे कौन? जनता पकड़ाएगी यहाँ का कटोरा, और जनता तय करे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। मैं महाराणा प्रताप सेना का संस्थापक अध्यक्ष होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहता हूँ कि मजार मुक्त भारत चाहिए, मजार मुक्त दिल्ली चाहिए, नशा मुक्त दिल्ली चाहिए, लफ्जियात मुक्त दिल्ली चाहिए। लेकिन मेरा एक प्रस्ताव है आपके माध्यम से पूरे देश की आवाम को और दिल्ली की आवाम को कि मैं चाहता हूं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री महिला बने और वो भी मुस्लिम बने। मैं चाहता हूं या तो मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री बने या महर्षि वाल्मीकि के समाज से कोई महिला मुख्यमंत्री बने। और 70 सीटों पर यदि हमें अवसर मिला, अगर हम चुनाव लड़े 70 की 70 सीटों पे, तो 40 सीट महिलाओं को रिजर्व करेंगे, 5 सीट किन्नर को देंगे,
25 सीट अपने युवाओं को देंगे और जो चुनाव लड़ने वाले लोगों की उम्र होगी वो 25 से 35 साल होगी, जिसकी 36 साल भी उम्र होगी उसको चुनाव नहीं लड़ने देंगे।